अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक और हम 0% वाला जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करने के लिए वीडियो हाजिर कर दिए हैं। ठीक है, काफ़ी दिन के बाद कमबैक हुआ है, काफ़ी दिन के बाद एक और वीडियो बनाने का मौका मिला है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रियलमी नार्जो 50A, ये जो फ़ोन है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है देख सकते हैं ये वाला वीडियो। Realme 5 Pro चार्जिंग प्रॉब्लम एंड 0% बैटरी शो एंड रीस्टार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर क्या था, परसेंटेज 0 दिखाता था, ठीक है, और ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता था, चार्जिंग भी शो नहीं करता था। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम फ्रेंड्स देख सकते हैं Realme Narzo 50A करके है मॉडल, उसके अंदर भी आया था। ठीक है, Realme के नार्जो सीरीज या Realme के बहुत सारे मॉडल में ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। परसेंटेज जो बैटरी का आइकन रहता है वहाँ पे 0% शो करता है, जबकि फ्रेंड आपके फ़ोन में ऑलरेडी पहले से परसेंटेज प्रॉपर दिखाता था कि फलाना 48% है, 50% है, 80-90% है, तो प्रॉपर परसेंटेज दिखाता है। लेकिन अभी आपका क्या हुआ है प्रॉब्लम कि आपके फ़ोन में 0% शो करता है और चार्जिंग आप लगाते हैं तो शो नहीं करता है, या फिर शो करता है और चार्जिंग नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों ही प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों प्रॉब्लम देखने को मिला है। बहुत सारे कस्टमर हमारे आते हैं, बोलते हैं कि हम चार्जिंग लगाते हैं लेकिन चार्जिंग होता नहीं है, जबकि चार्जिंग हो रहा होता है, बैकग्राउंड में एम्पियर वगैरह कंजम्पशन कर रहा होता है लेकिन शो नहीं करता। ठीक है, और कुछ लोग का क्या रहता है, चार्जिंग शो कर देता है लेकिन असल में कुछ भी एम्पियर कंजम्पशन होता ही नहीं है, मतलब कि असल में बैटरी के अंदर कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं होता है। ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आपके फ़ोन में इस तरह से अतरंगी इशू आ रहे हैं, तो इसी का हम सोल्यूशन करेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया था 0% इसके अंदर 0% शो कर रहा है। इसके अंदर हमने बात किया था सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर से, वो भी सॉफ्टवेयर से, मैंने सिर्फ HR करके दिया था, हार्ड रीसेट के थ्रू मैंने प्रॉब्लम सोल्व करके दिया था, और ऐसे ही और भी काफ़ी सारे कस्टमर को करके दिया था। आज तक उनका कभी भी लौट के आना नहीं हुआ, उनका मतलब प्रॉब्लम वापस नहीं आया, अभी भी चल रहा है। ठीक है, Realme Narzo 50A करके आया एक मॉडल, और Realme Narzo 53 शायद से वो था मॉडल, उसके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। उसके अंदर परसेंटेज 0 तो नहीं, लेकिन हाँ चार्जिंग शो करता था लेकिन होता नहीं था, परसेंटेज बढ़ता हुआ नहीं दिखाता था, तो एक तरह से उसके अंदर फेक चार्जिंग का इशू था। देख सकते हैं ये स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। ठीक है, इसमें मैंने चार्जिंग लगाया, 43% है, और कुछ मिनट बाद देख सकते हैं इसके अंदर वापस से जब मैंने देखा तो फिर भी 43% ही था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस फ़ोन को एक बार बैटरी निकाला, बैटरी कनेक्टर निकाला, मतलब कि फ़ोन को ऑफ किया, फिर वापस ऑन किया, फिर चार्जिंग लगाया, देख मुझे क्या देखने में मिलता है कि यहाँ पे 49% हो चुके हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो चार्जिंग मीटर है इसके अंदर एम्पियर शो करता है, ये 1.6 एम्पियर के स्पीड से चार्ज होता, मतलब अच्छी खासी स्पीड से चार्ज हो रहा था, लेकिन फिर भी हमारे को परसेंटेज बढ़ता हुआ नहीं दिखा रहा था। 43 से 49 हो गया चार्ज, लेकिन फिर भी 43% वही स्टक था। तो इस तरह से प्रॉब्लम देखने में मिलता है, ये सभी जो प्रॉब्लम देखने में मिलते हैं, ये फ्रेंड हमारा ये चार्जिंग का सेक्शन होता है, यहाँ से देखने में मिलता है, ये फ्रेंड हमारा ये जो बैटरी कनेक्टर होता है यहाँ से देखने में मिलता है, या अदर कोई भी IC से रहता है, पावर IC और दूसरे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कहां कहां से आता है और क्या सोल्यूशन रहेगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको अपनी बैटरी जो है बैटरी चेंज करके देख लेनी है। अगर आपके फ़ोन में 0% शो करता है तो आपको बैटरी चेंज करके देख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा कभी काल फ़ोन झटका लग के या गिर जाता है तो ये जो बैटरी कनेक्टर होता है मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है, ये इसका जो शोल्डरिंग रहता है कनेक्शन, एक मिनट, इसका जो सोल्डरिंग कनेक्शन रहता है ये छोड़ देता है। ठीक है, इसमें से देख सकते हैं पॉजिटिव का हो गया, ये जो पॉजिटिव की लाइन है और ये नेगेटिव की लाइन है, इसके साथ ये ID है, थर्मल है। ठीक है, इस तरह से कुछ ये कनेक्शन दिया है, देख सकते बैटरी ID ये है और बैटरी थर्मल ये है, तो ID या थर्मल की लाइन में भी अगर इशू रहता है तो बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता है, 0% शो करता है, इस तरह से प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इन कनेक्टर्स को भी आपको क्या करना है, वापस से रिसोल्ड करना है, ब्लोवर के माध्यम से कर सकते हैं, या सोल्डिंग आपके पास जो माइक्रो सोल्डिंग रहता है उससे भी कर सकते हैं, रिसोल्ड कर सकते हैं,
जिससे भी आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर चार्जिंग 0% शो नहीं करता है, आपका चार्जिंग होता ही नहीं है या फिर प्रॉब्लम करता है चार्जिंग में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चार्जिंग की लाइन होती है देख सकते हैं वी बस करके, इसको आप जंपर कर सकते हैं या फिर इसको भी देख सकते हैं। अगर लूज रहेगा तो आपको जंपर कर देना है, जंपर यहाँ से आप कर सकते हैं, और सीसी बोर्ड रहता है सीसी बोर्ड के भी ये वाले लाइन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका चार्जिंग प्रॉपरली होने लगेगा। और दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, जो चार्जिंग सेक्शन है इसके अंदर से, मतलब अगर ये सब आपने ट्राई करके देख लिया है, ये बैटरी वगैरह कनेक्टर आपने ट्राई करके देख लिया है, ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर का जो बैटरी कनेक्टर है उसको भी आपको देख लेना है अच्छे से, आई स्कैन होता है ना हमारा, आँख का स्कैन, तो आँखों से प्रॉपरली स्कैन करना है, जूम कर करके, माइक्रोस्कोप रहेगा माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेना है आपको, ठीक है, ये वाला कनेक्टर, साथ ही साथ बैटरी का जो कनेक्टर है, तो ये मदरबोर्ड का कनेक्टर हो गया और बैटरी का कनेक्टर जो इसमें लगेगा बैटरी वाला, उसके भी पॉइंट सभी देख लेने अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं, अगर वो ढीले रहेंगे या उनका सोल्डरिंग कमजोर हो गया होगा तो उसे भी आपको रिसोल्ड कर लेना है, इससे भी आपका ज़्यादा चांस है कि इससे ही आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा 0% या फिर चार्जिंग ना होने का, ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम सोल्यूशन था रियलमी 5 प्रो वाले वीडियो में डिस्कस किया था, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है फ्रेंड्स वो ये है कि ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मतलब कि जो इनिशियल जो स्टेप लेने थे शुरुआत में कि इससे इससे प्रॉब्लम हो सकता है, बैटरी परसेंटेज जो 0 दिखा रहा है या फिर चार्जिंग रुक जा रहा है, ठीक है, चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, या समटाइम चार्जिंग हो रहा है बैकग्राउंड में हो रहा है, एम्पियर कंजम्पशन वगैरह हो रहा है लेकिन शो ही नहीं कर रहा है, तो ये सब जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड वो ये वाले डिपार्टमेंट से होती है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है चार्जिंग का सेक्शन है, तो इसमें और भी जो कंपोनेंट लगे हुए हैं खैर उससे अपना मतलब नहीं है, मेन हमारा ये है कि देख सकते हैं ये जो है ना यहाँ पे OVP IC लगी हुई है, ठीक है, इसके अलावा डायोड वगैरह और दूसरे कुछ छोटे मोटे सपोर्टिंग IC डायोड ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, 1, 2 और ये 3, ठीक है, इन तीनों पे आपको ध्यान देना है, सब जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड इन्हीं से आती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये OVP IC अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको रिप्लेस कर देनी है, ठीक है, या सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको निकालें और बाईपास कर दें, ठीक है, ये चार्जिंग ये OVP IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो IC होती है इसका काम खत्म हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, OVP IC बाईपास करने का मेथड यही है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है रेड कलर का और यहाँ से, तो यहाँ पे जॉइंट नहीं, ठीक है, ये आईसी के अंदर अंदर सब सप्लाई गया हुआ है, तो ये वाले पॉइंट को यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो या ये वाले पॉइंट को यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से ये OVP IC का काम खत्म हो जाएगा और ये डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये सब सिग्नल वगैरह भेजते हैं कि बैटरी में कितना परसेंट है चेक करें, CPU को जाता है सिग्नल, ठीक है, तो ये सब इसमें एक अच्छा खासा रोल अदा करते हैं, तो इन्हें भी आप निकाल के हटा सकते हैं और इसका जो काम है ये कैपेसिटर्स के थ्रू ये OVP IC जब आप बाईपास कर देंगे तो यहाँ से ये होता रहेगा काम, ठीक है, चार्जिंग प्रॉपर होता रहेगा और बीच बीच में जो CPU को सिग्नल जाना बंद हो जाता था कि बैटरी लगता है डिस्कनेक्ट हो गई है, इस वजह से फोन चालू तो रहता था लेकिन बैटरी परसेंटेज 0 दिखाई देता था, तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी यहाँ से फिक्स हो जाने वाली है। इसी तरह से मैंने 2 फोन में बनाया था, उसमें प्रॉब्लम फिक्स हो गया लेकिन समटाइम वो फोन डैमेज था, मदरबोर्ड थोड़ा सा बैंड था और उसके CPU से भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो 1-2 दिन चलने के बाद 0% शो कर रहा था, फाइनली हमने उसको फिक्स कर दिया, अभी कस्टमर को दिए हैं, अभी वो प्रॉपर चला रहे हैं, ठीक है, 0% उनका फिक्स हो गया है और भी चार्जिंग एम्पियर कंजम्पशन भी उसमें रुक जा रहा था, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये वाला मेथड किया उसमें कि जंपर यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, समटाइम 0.6 एम्पियर लेने लगा था या 1.6 एम्पियर, ऐसा फास्ट होता लेकिन 0.6 एम्पियर पे आ जाता था, स्लो चार्जिंग शो करता था तो ये जंपर के थ्रू, अब वो प्रॉब्लम भी उसमें फिक्स हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड ये जो काम है 0% शो करने का और उसका जो सॉल्यूशन है मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आने के साथ साथ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड पीस।